पिछले 5 महीने मेरे जिंदगी के बहुत ही ज्यादा बुरे गुजरे हैं। इनमें काफी वाकयात अच्छे भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो थे वो मेरे साथ बुरे ही वाकयात। एक होता है, दो होता है, चार, पांच जो के। और मैं इन 5 महीनों में काफी ज्यादा बिजी भी रहा था। शादी आ गई थी कब भाइयों की, तो उसमें भी मैंने कोई इतना व्लॉग नहीं बनाया जिसमें मेरी दिल करता कि मैं व्लॉग बनाऊं। उस चीज़ में मैं बना लेता हूँ, नहीं तो फिर नहीं बनाता। और उसके अलावा बीच में हमने घर भी चेंज कर लिया था, तो उधर मसरूफियात, उस पर भी नहीं मैंने व्लॉग बनाया। बस इधर से उधर, उधर से उधर, बस इस तरह की मसरूफियात चलती रहती थी। सबसे पहले आपको बताते हैं भाई, ओरिन लाइन स्टेशन से हमारी बाइक उठाई जाती है होंडा, जो कि तकरीबन आज से 2-3 महीने पहले हमारे पास था। ओरिन लाइन स्टेशन पे भाई वहाँ पर खड़ी करके अपनी जॉब के लिए ऑफिस जाते थे ओरिन लाइन पर। और तकरीबन 1 साल वहाँ पर हमने भाई ने इस तरह ही अपनी बाइक खड़ी की है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले, महीना पहले वहाँ से हमारी बाइक चोरी हो जाती है। FIR भी की जाती है, लेकिन उसके बाद भाई को भी पता नहीं चलता और हमारे पास सिर्फ होंडे की चाबी ही रह गई थी। फिर ये टाइम गुजरता है भाई, घर वाले जाते हैं बाजार, वहाँ पर हो जाता है हमारा मोबाइल चोरी दुकान के अंदर से ही, दूसरा नुकसान ये। फिर उसके बाद अचानक ही इन दो चीज़ों को अभी हम भूलते ही हैं, तो नए घर में हम शिफ्ट हुए थे, वहाँ पर एक और नुकसान हो जाता है कि मेरे अब्बू की साइकिल जो कि घर के आगे से खड़ी होगी, ये होता नहीं है यकदम चीज़ उठाई जाना, वो वाला सीन हुआ है। घर के बैठते साइकिल चोरी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 120 सेकंड के अंदर अंदर। अब्बू साइकिल ला के खड़ी करके अंदर गए हैं, और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 मिनट बाद बाइट साइकिल की आवाज़ आती है कि किसी ने उसका स्टैंड नीचे किया है। तो भाग के बाइट देखते हैं कि दो बंदे जो थे ना वो साइकिल लेकर फरार हो गए थे। सिर्फ उस साइकिल का भी जो था ना हमारे पास अब चाबी ही मौजूद है। उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उस साइकिल पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, मतलब कि उसके ऊपर पार्क व्हील के साथ वीडियो बनाई थी, वो भी इस टाइम इंटरनेट पर पड़ी हुई है, जो कि अभी एक निशानी कह सकते हैं, वो पड़ी हुई है। और उसके अलावा मैंने भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बनाए थे, वो भी अभी यादें ही रह गई हैं इंटरनेट पर। काफ़ी ज़्यादा साइकिल ने साथ दिया था, तकरीबन काफ़ी जो मेरे दूर दूर के थोड़े काम होते थे ना वो साइकिल हल कर देती थी, और साइकिल भी वो चोरी हो गई। इतने जो नुकसान हुए ना इन 5 महीनों में वो ये थे। और सबसे बड़ी बात, अभी हम वो साइकिल के गम ताज़ा ताज़ा ही वो ज़ख्म दिल पर लगा होता है, हफ्ता गुजरता है तो अचानक ही हमारे साथ भाई $200 का स्कैम हो जाता है। वो भी भाई अपने जो जमा पूंजी पड़ी हुई थी थोड़ी रोज़ खाने पीने के लिए, वो भी भाई बैंक से धड़म उड़ जाते हैं। कोई स्कैमर था कोई, मैं कहता हूँ इतना का हैवी कि उसने पता भी नहीं चलने दिया कि हमसे कैसे $200 लेकर गायब हो गया। आजकल तो $200 का रेट भी भाई ₹275 जा रहा है, उसने $200 का हमारे साथ स्कैम कर लिया। और जब FIR दर्ज कराई, ना उसका शनाख्ती कार्ड असल, ना उसका नंबर असल, कोई इतना कोई बड़ा हैवी स्कैमर था ना कोई, उसका उसने छोटा सा भी नहीं हमें सबूत दिया कि हम उसे किसी तरीके से पकड़ पाएँ या उसे कॉल करें। काफ़ी नंबरों से 15-20 अलग-अलग नंबर चेंज करके उसे कॉल की, लेकिन उसका भाई कोई अता पता नहीं चला। और इन चीज़ों की वजह से मैं व्लॉगिंग से भी दूर रहा, और व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया, जो कि मेरा सबसे बड़ा नुकसान था। इंशाल्लाह अब कोशिश यही है कि व्लॉगिंग ज़रा डिफरेंट तरीके से आए, कोई हैवी आइडिया, कोई यूनिक से व्लॉग आया करें। अगर आपके जहन में कोई आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह आपका भाई आ गया वापस, बड़े हैवी व्लॉग आने हैं। जो स्कैम होने थे, जो नुकसान होने थे, वो इन 5 महीनों में हो गए हैं। अब तो भाई फ़ायदा ही कमाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में कोई अच्छी चीज़ के साथ।